हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफटी इंडिया। सूर्यांशी फाइनेंस ट्रेडिंग एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। 13 मई फ्राइडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का कौन सा रणनीति होगा उसको ब्रीफली एनालिसिस करते हैं। कल थर्सडे यानी 13 मई मार्केट क्लोज है। अगेन फ्राइडे एक दिन ओपन होने के बाद अगेन टू डेज क्लोज है। सैटरडे संडे ये 3 दिन का हॉलीडे के बीच में एक दिन मार्केट ओपन होगा। मार्केट का डायरेक्शन किधर जाएगा, आज जो निफ्टी का हाल है और बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो फ्राइडे का मार्केट प्योरली बेस्ड ऑन द ग्लोबल मार्केट। माय डियर, अगर आप आज का मार्केट देखोगे, जो भी लेवल में आप लोगों को प्रोवाइड किया था, एक शानदार प्रॉफिट आप लोग कमाया। लेवल एकदम बारीक से गया, आप देख सकते हो। निफ्टी का लेवल में आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए माय डियर, निफ्टी आप लोगों को बताया था, निफ्टी 14,815 के पास अगर आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है नीचे की तरफ, आप देखिए एक शानदार रैली नीचे की तरफ आएगा 100 पॉइंट का। और 100 पॉइंट आने के बाद यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, मैं फिर यू कर्व ट्रेडिंग आप लोगों को बताया। अगेन यहां से 50 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन एक्सपायरी के लिए नीचे आ गया। तो देखिए कि शानदार दो ट्रेड आपको निफ्टी में एक्सपायरी के दिन मिला है। देखिए बैंक निफ्टी, आज जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था एकदम वही लेवल है, 32,750 में आप लोगों को दिया था। आपके सामने डायग्राम है, बोला था कि ब्रेकआउट हो जाएगा, आप वहां पे सेल में बैठ जाइए। नीचे की तरफ एक जबरदस्त टारगेट आपको आएगा। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी शानदार ट्रेड आप लोग को आज दिया। चलिए माय डियर, फ्राइडे का मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा रणनीति बनाएगा, कहां पे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, कैसा टेक्निक रहेगा, उसको ब्रीफली एनालिसिस करते हैं। उसको जाने से पहले एक बार ग्लोबल मार्केट का व्यू आप लोगों को देता हूं। आज का अगर व्यू लोगे ग्लोबल मार्केट, हमारा मार्केट ओपन होने के पहले 100-150 पॉइंट नेगेटिव था। एक्सिस निफ्टी वो भी 70-80 पॉइंट का नेगेटिव था। तो हमारा मार्केट एक शानदार गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद जब यूरोप मार्केट ओपन हुआ, यूरोप मार्केट ओपन होने के पहले डाउ फ्यूचर एक्सिस निफ्टी वही सेम डायरेक्शन में एक फ्लैट रेंज के अंदर अपना शुरुआत किया था। यूरोप मार्केट क्लोजिंग के पास ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद एक शानदार रैली ऊपर की तरफ दिया, मार्केट भी उसी रैली को रेस्पेक्ट दे के ऊपर की तरफ गया। और यूरोप मार्केट जब थोड़ा डाउनफॉल दिया तो हमारा एक्सपायरी ट्रेड नीचे की तरफ आ गया। लास्ट आवर में हमारा मार्केट इतना गिरा, उसका कारण है एक्सपायरी ट्रेड, क्योंकि यूरोप मार्केट बोलो, डाउ फ्यूचर बोलो, एक्सिस निफ्टी बोलो, थोड़ा कवर किया था। एक्सपायरी के चलते मार्केट थोड़ा नीचे आया। फ्राइडे का सेशन में क्या होगा उसको हम लोग ब्रीफली एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के लिए मैं आप लोग के लिए दो रेंज लेकर आया हूँ, एक 14,800, अनदर वन इज 14,500। यही रेंज के अंदर फ्राइडे आपको ट्रेड मिलेगा। तो निफ्टी फ्राइडे का दिन में जो भी एक्शन करेगा डिपेंड अपॉन द ग्लोबल मार्केट। 3 दिन छुट्टी के बीच में एक दिन का मार्केट ओपन होता है। तो निफ्टी अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी क्या करेगा, गैप अप होने के लिए कोशिश करेगा। अगर गैप अप होता है यानी 14,800 के पास निफ्टी गैप अप होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि यू कर्व, कभी भी बाय मत करना, वहां पे सेलिंग करने के लिए कोशिश करिए। यू कर्व बन जाएगा, अदरवाइज ब्रेकआउट बन जाएगा तो आप 14,800 के पास सेल कर सकते हैं। तो आपका टारगेट 14,650, यहां से 150 पॉइंट का नीचे की तरफ निफ्टी गिर सकता है अगर गैप अप होता है तो। नहीं, मार्केट अगर फ्लैट रेंज में ओपन होता है, आपको एक बार ये 14,650 के पास एक यू कर्व ट्रेडिंग अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रेकआउट अपनाना पड़ेगा। यहां पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। मगर माय डियर, 14,650 के पास अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई करते हो तो यहां से 50 पॉइंट के ऊपर यानी 14,700 के पास एक हड़ाल है। वहां पे क्या होगा, मार्केट को गिराने के लिए कोशिश करेगा। ये जो रेंज है, ये जो नॉर्मल ये जो रेंज है,
यहां से मार्केट नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। अगर आप 14,650 के पास बाय करना चाहते हो तो आप एक काम करिए, 14,650 का कॉल बाय करिए, उसके साथ साथ 14,800 और 900 का एक कॉल को सेल कर दीजिए। अगर आप इसी मिडिल रेंज में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ओनली स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, यानी 14,650 या 600 का एक कॉल बाय करिए, 14,800 और 900 का एक कॉल को सेल कर दीजिए। एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना के मिडिल में ट्रेड करना चाहते हो तो कर पाओगे, अदरवाइज सीधा 14,800 के पास यू कर्व लेके सेल कर सकते हो। और कहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी माय डियर आएगा, सीधा आप यहां पे भी एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करके 14,600 के पास भी एक सेलिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक बेहतरीन बाइंग आपको कहां से आएगा, 14,500 के पास एक यू कर्व बाइंग आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों चार लेवल में आप लोगों को बता दिया है, प्लीज फ्राइडे का मार्केट में इसको एक बार स्क्रीन को फोटो उठा के रख लीजिए, देख लीजिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, आपके लिए सिंपल तीन लेवल है, एक 32,730, 32,350 एंड 31,830। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहता है, मार्केट गैप अप होने के लिए कोशिश करेगा, सिंपल आप यू कर्व अपनाइए, यानी 32,730 के पास यू कर्व और ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे सेल करिए। सीधा आपके लिए टारगेट दोस्त सीधा यहाँ पे 32,350, यानी 300 पॉइंट नीचे की तरफ आप टारगेट देख सकते हो माय डियर, यहाँ से सीधा 300 पॉइंट आपको टारगेट आ जाएगा, यहाँ पे आप सेल कर लीजिए। तो फिर क्या होगा, अगर मार्केट एक फ्लैट रेंज में ओपन होके सीधा आपको एक फ्लैट रेंज में ओपन होके यहां से नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट देता है तो आप यहां पे सेल कर लीजिए, यानी 32,350 के पास सेल करिए, सीधा मार्केट यहां से गिरेगा 31,800। तो बैंक निफ्टी में ओनली आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 32,730 के पास और 32,350 के पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको आइडेंटिफाई करना। क्लियर माय फ्रेंड्स, विदा लेने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस इज एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, बिफोर टेकिंग ट्रेड प्लीज टेक एडवाइस योर फाइनेंशियल एडवाइजर। टेक केयर दोस्त।